स्वागत है आपके YouTube चैनल फिन ऑयल पे। क्या जेपी पावर का शेयर में अभी खरीदारी करें? देखिए, बहुत बार क्या होता है जब शेयर का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो लोग शेयर में खरीदारी करने का देखते हैं। शेयर में अपर सर्किट लगा हुआ है जेपी पावर के शेयर में, तो अभी खरीदारी नहीं कर सकते हैं। जेपी पावर का जो शेयर है इसका अगर देखते हैं, जैसे कि कुछ दिन में बहुत सारे अपडेट्स आया है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा खुलासा भी हुआ है जेपी पावर के स्टेक को लेके। दोस्तों, जेपी पावर का जो स्टेक है उसको लेके बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, वो आगे हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्या ऐसा खुलासा है जेपी पावर के शेयर को लेके, स्टेक को लेके, और इसके चलते जो शेयर होल्डर्स हैं उनको क्या फ़ायदा है या फिर क्या हो सकता है। रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों, वीडियो पे पूरा बने रहिए, कहीं पर भी स्किप मत कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिनोवेज को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। शेयर मार्केट से जुड़े कंटेंट पाने के लिए सब्सक्राइब आपके लिए फ्री है, हमें बहुत सपोर्ट होता है। शुरू करते हैं स्टॉक की बातें। जेपी पावर का दोस्तों एक चीज़ तो समझना है कि ये कंपनी जो है जैसे कि पावर सेक्टर में बहुत ज़बरदस्त बिजनेस करता है, और इसका जो रेवेन्यू भी अभी कुछ दिन पहले आया है, रेवेन्यू भी एक ज़बरदस्त इंक्रीज़ हुआ है। अभी जेपी पावर का शेयर देखेंगे तो अपर सर्किट लगा हुआ है, और एक दिन में अभी देखते हैं तो कुछ खास तेज़ी वगैरह देखने को नहीं मिला है जेपी पावर के शेयर में। वही दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पे एक हफ्ते में 2% का रिटर्न दिया है, एक महीने की बात करते हैं तो 1 मंथ में 4.4% का रिटर्न दिया है जेपी पावर के शेयर में। फिलहाल जेपी पावर के शेयर को स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर कहा जा रहा है। ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं, 65 है आउट ऑफ 100, वैल्यूएशन 60 है आउट ऑफ 100, मोमेंटियम 73.80 है आउट ऑफ 100। अभी यहाँ पे जेपी पावर का जो एक महीने का, 1 मंथ का जो इसका हाई प्राइस बना है जो कि 19.60 पैसे का है, और जो लो प्राइस बना है 14.35 पैसे का। एक हफ्ते का हाई प्राइस देखिए दोस्तों, 19.60 पैसे का, लो प्राइस 17.60 पैसा। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं जेपी पावर का, जो कि 12,302 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो टेक्निकली ये शेयर कैसा है, क्या हम लोग अभी यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं? टेक्निकली शेयर बात करते हैं दोस्तों तो एक बुलिश लेवल यहाँ पे बना रहा है, अब देख सकते हैं बुलिश लेवल बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। वही बात करते हैं RSI इंडिकेटर कह रहा है जो ये जो शेयर है ना कि ओवरबॉट लेवल पर है ना कि ओवरसोल्ड लेवल पर है, और MACD इंडिकेटर कह रहा है जो शेयर है एक बुलिश लेवल बना रहा है। देखिए, शेयर अभी बुलिश लेवल पे है, और ये टेक्निकल इन्फॉर्मेशन जो है अभी के इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है कि जब आप शेयर खरीदे या बेचे तब आपको इसमें कुछ अलग से टेक्निकल इन्फॉर्मेशन देखने को मिले। अभी जेपी पावर में जो खुलासा है वो भी हम लोग देखेंगे क्या ऐसा खुलासा है, उसके बाद दोस्तों जेपी पावर का बिजनेस को लेकर थोड़ा डिटेल में बात करने वाले इस वीडियो में कि कंपनी क्या करता है। जेपी पावर का जो डिटेल्स है वो यहाँ पर समझेंगे। BSE और NSE मिला के एक दिन का जो एवरेज देखने को मिल रहा है जो कि 20.5 मिलियन का है, डिलीवरी परसेंटेज 100% का है, डिलीवरी वॉल्यूम 20.5 मिलियन का है, शेयर में अपर सर्किट लगा है। अभी यहाँ पे एक हफ्ते का देखते हैं तो BSE मिला के जो एवरेज देखने को मिल रहा है जो कि 38.2 मिलियन का, डिलीवरी परसेंटेज 100% का है, और डिलीवरी वॉल्यूम 38.2 मिलियन का है। 1 मंथ की बात करते तो BSE मिला के जो एवरेज देखने को मिल रहा है 29.8 मिलियन का, डिलीवरी परसेंटेज 100% का है, और डिलीवरी वॉल्यूम 29.8 मिलियन का है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो डिलीवरी परसेंटेज है जेपी पावर के शेयर का जो कि वही है, और जो डिलीवरी वॉल्यूम है जेपी पावर के शेयर का वो यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो स्टेक को लेकर चल रहा है तो प्रोमोटर्स जो है जेपी पावर का, प्रोमोटर्स के पास 24% का स्टेक है, FIS के पास 6.06% का स्टेक है, म्यूचुअल फंड के पास 0.01% का स्टेक है, अदर इंस्टीट्यूशन के पास 18.46% का स्टेक है, और पब्लिक के पास 51.37% का स्टेक है। क्या अपडेट आया है जेपी पावर को लेके, जो अपडेट यहाँ पे देखने को मिल रहा है दोस्तों, जहाँ पे इंडिविजुअल जो है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो है यहाँ पे मेजोरिटी स्टेक रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा चीज़ है, जहाँ पे मतलब ऐसे कुछ इंडिविजुअल्स हैं, 7 इंडिविजुअल्स हैं जिनके पास मेजोरिटी स्टेक है जेपी पावर का। तो जेपी पावर जो है यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे 7 ऐसे शेयर होल्डर्स हैं हु आर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ओन 52% ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे 7 ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन लोगों ने जेपी पावर का जो स्टेक है उसमें ज़्यादा जो है खरीदारी करके रखा है, जो कि 52% के आसपास है। तो यहाँ पे दोस्तों समझते हैं, जो प्रोमोटर्स है, प्रोमोटर्स से ज़्यादा स्टेक इंडिविजुअल के पास है। तो अभी यहाँ पे जेपी पावर कुछ दिन पहले जो अपडेट एक शेयर किया था, बताया था जेपी पावर ने, जो इसका रेवेन्यू है
रेवेन्यू की बात करते हैं जो कि 25.13% रेवेन्यू जेपी पावर का इंक्रीज हुआ है। जेपी पावर का शेयर अभी फिलहाल जो अपर सर्किट लगा रहा है दोस्तों, तो हमें लगता है कि फिलहाल यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा टारगेट प्राइस नहीं रखना चाहिए। कंपनी यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहा है। अगर आप पिछले दो क्वार्टर का देखते हैं तो आप देख सकते हैं जो रेवेन्यू है कंपनी का, जेपी पावर का जो रेवेन्यू है जो कि 1.35,000 करोड़ से रेवेन्यू इंक्रीज होकर 2.21,000 करोड़ का हुआ है। एंड पर क्वार्टर देखते हैं तो रेवेन्यू 38.6% इंक्रीज हुआ है। वही दोस्तों रिटेल शेयर होल्डिंग की बात करते हैं तो रिटेल जो शेयर होल्डर्स है जहाँ पे 49.63% का स्टेक था 49.63% का, वो स्टेक जो है इंक्रीज करके 50.31% का किया है कंपनी का। जेपी पावर का जो देखते हैं अभी डिटेल में यहाँ पे, जहाँ पे प्रॉफिट जो है पिछले दो क्वार्टर का, जो कि प्रॉफिट बोल सकते हैं कि जो 68.66 करोड़ का प्रॉफिट था वो इंक्रीज होके देखिए यहाँ पे 172.85 करोड़ का हुआ है। तो पर क्वार्टर प्रॉफिट 60.3% इंक्रीज हुआ है। ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे बिजनेस ज़बरदस्त कर रहा है, जिसके चलते इन्वेस्टर्स के ओर से एक डिमांड क्रेज जेपी पावर के शेयर में देखने को मिल रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है, एफआईआई जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स, उनका बात करते हैं जो जहाँ पे 4.65% का स्टेक था, एफआईआई ने स्टेक जो है यहाँ पे इंक्रीज करके 5.14% का कर दिया है। वही दोस्तों बात करते हैं म्यूचुअल फंड की, म्यूचुअल फंड के पास आप देख सकते हैं 0.06% का स्टेक था, म्यूचुअल फंड ने स्टेक जो है यहाँ पे इंक्रीज करके 0.08% का कर दिया है। तो अभी यहाँ पे देखेंगे तो जेपी पावर के शेयर में एक तेज़ी बन रहा है, कंपनी बहुत अच्छा खासा बिजनेस कर रहा है। यहाँ पे देखिए इसका जो शेयर का प्राइस था, जो कि अभी जैसे चल रहा है 17 रुपीज़ के आसपास, शेयर का प्राइस लगभग 24-25 रुपीज़ के आसपास पहुँच गया था। तो फिलहाल हमें लगता है कि 24-25 रुपीज़ के टारगेट प्राइस के लिए कोई अगर शेयर खरीदता है तो उनको थोड़ा समय होल्ड भी करना पड़ सकता है। एक दिन का देखते हैं जेपी पावर का शेयर का जो लो प्राइस बनाया है जो कि 17.60 पैसे का है, और जो हाई प्राइस बनाया है 18.30 पैसे का। 52 वीक का लो प्राइस देखते हैं 5.55 पैसे का, और जो हाई प्राइस है 24 रुपीज़ का। वन मंथ की बात करते हैं जेपी पावर के शेयर में दोस्तों, वन मंथ में आप देख सकते हैं शेयर जो है 7.81% रिटर्न दिया है, 3 मंथ्स में 9.12% रिटर्न दिया है, और 1 ईयर में 206.84% का रिटर्न दिया है। तो अभी आपको कैसा लगता है जेपी पावर का शेयर, ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताइए। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा डिटेल में हम लोगों ने देखा कि कंपनी क्या करता है जेपी पावर। अभी कंपनी का देखते हैं तो इसका बिजनेस जो है आगे चल के हो सकता है कि और ज़्यादा ग्रो हो, पावर सेक्टर का बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो हो सकता है जेपी पावर का। अभी यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान रखना है, जैसे कि टेक्निकली अगर देखेंगे तो टेक्निकली फिलहाल अभी बुलिश है, शेयर अपर सर्किट में चल रहा है, थोड़ा यहाँ से तेज़ी बनाएगा। बहुत ज़्यादा टारगेट प्राइस फिलहाल नहीं रखना चाहिए जेपी पावर के शेयर में, एक छोटा मोटा टारगेट प्राइस रख सकते हैं। हो सकता है कि शेयर यहाँ से डाउन बने तो वहाँ से खरीदेंगे तो एक अच्छा खासा यहाँ पे जो है रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो शेयर ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताइए। उम्मीद है जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल पीनोवाइज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए।